हेलो, मैं कौशिक मेहता। आज कुछ बात समोसा डिप्लोमेसी पे। हाँ, समोसा डिप्लोमेसी, ये वैसे तो पॉलिटिक्स में दो देशों के बीच में वैश्विक स्तर पर डिनर डिप्लोमेसी जानी जाती है, लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है, डिनर से समोसा तक पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन भारत आने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से आ नहीं सके, तो उसने वर्चुअल मीटिंग की हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ। तो उसके पहले मॉरिसन ने समोसे पेश किए और बोला कि आइए साथ में समोसा खाते हैं। तो ये समोसा का नाम स्कमोसा हो गया। तो बाद में वर्चुअल मीटिंग में वो बोले वो कि भाई मुझे तो खिचड़ी भी खानी है इंडिया आके। तो मोदी साहब ने बोला कि साथ में खिचड़ी ज़रूर खाएंगे। लेकिन ये डिनर डिप्लोमेसी से बात समोसे तक आ गई है। हमारे यहाँ जब ट्रंप आए थे तभी भी उसको गुजरात नमस्ते ट्रंप, जो अब स्कॉट मॉरिसन तक पहुंचा है, वो भी नमस्ते करके बात की शुरुआत करते हैं, तो हमारा नमस्ते पूरा वैश्विक हो गया है। तो ट्रंप आए थे तब भी गुजराती खाना उसको अहमदाबाद में पेश किया गया था। शी जिनपिंग आए थे गुजरात और अहमदाबाद में उसको भी ढोकड़े और सब गुजराती व्यंजन खिलाए गए थे। तो ये बात समोसे की है। और आपको ताज्जुब होगा कि समोसा हमारी वानगी नहीं है, हमारी आइटम नहीं है। ये स्नैक्स वाली, ये सेंट्रल एशिया से आती है। उससे पर्शियन शब्द था संबोसा, संबोसग, इसमें से ये समोसा तक बात गई है। संबोसा हुआ, संबोसक हुआ, और फिर वो 14वीं सदी में हमारे यहाँ आया। और बंगाल में तो इसको सिंगारा बोलते हैं। सुनीता विलियम्स जब स्पेस सेटल में गई तो साथ में समोसा लेके गई थी, क्योंकि ये हेल्दी नाश्ता बोला जाता है। तो समोसा में वैरायटी भी कई है, रेगुलर समोसा तो है ही है, साथ में चटनी की भी वैरायटी होती है, इमली की होती है, मैंगो की भी होती है। हमारे यहाँ गुजरात में दही समोसे, सेव समोसे भी खाए जाते हैं, पंजाबी समोसा होते हैं, सूखे समोसे भी होते हैं। तो आपको मालूम है ये समोसे में कितनी कैलोरी है? ये ज़्यादा कैलोरी वाला स्नैक्स है। इसमें 262 कैलोरी, एक समोसे में 262 कैलोरी आती है। तो समोसा खाने के पहले जो कैलोरी कॉन्शियस लोग हैं उसको ये सूचना है एक प्रकार से। चाय के साथ भी हम समोसा खाते हैं, पट्टी समोसे भी गुजरात में मिलते हैं। और हाँ, चीन के सामने जो भी हो, अमेरिका से लेके दुनिया के कई देशों ने मोर्चा खोल दिया है, लेकिन हमारे यहाँ चाइनीज समोसा भी मिलते हैं। तो ये समोसे की बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, और अब खिचड़ी तक आ गई है, वो भी एक डिनर का भाग ही है, क्योंकि गुजरात में यूँ शाम को ही लोग खिचड़ी खाते हैं। और खिचड़ी में भी कई वैरायटी है, वो चावल, मूंग दाल, बाजरा, ज्वार के साथ बनती है, और ये बहुत अच्छी डिश गिनी जाती है, क्योंकि पचने में ये अच्छी है और प्रोटीन भी इसमें से मिलता है। स्वामीनारायण की खिचड़ी बहुत प्रख्यात है, और ये भारत में ही नहीं, अमेरिका में, यूरोप में भी मिलती है, जहाँ जहाँ स्वामीनारायण मंदिर है और उसका रेस्टोरेंट प्रेमवती के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी ये खिचड़ी मिलती है। और आप बॉम्बे में शिव सागर में जाए तो वहाँ कई प्रकार की खिचड़ी मिलती है, पालक की है, दाल की है, दही की है, और कई वेराइटी है इसमें। तो ये खिचड़ी में भी हमने काफ़ी वैविध्य हमने किए हैं, और अलग अलग प्रकार की खिचड़ी हम खाते हैं। तो ये खिचड़ी भी अब पॉलिटिक्स में आ गई है, ये अच्छी बात है। हमारा खाना पीना, क्योंकि
थ्री इडियट्स में आमिर खान वो गुजराती एक करेक्टर रणछोड़दास चाचड़ करके वो करते हैं उस, और वो वहाँ ढोकड़ा और फाफड़े भी की बात होती है और हीरोइन बोलती है ढोकड़ा फाफड़े थेपला कि ये वानगी नहीं है, ये कोई मिसाइल है मिसाइल, लेकिन गुजराती व्यंजन और गुजराती आइटम की बात ही कुछ और है। हमारे नरेंद्र मोदी दिल्ली गए तो दिल्ली में भी गुजराती व्यंजन और ये आइटम सब अब संसद की कैंटीन में मिलने लगी है, ऐसी बात जानने को मिली है। लेकिन ये समोसा, हमारा समोसा, सबका समोसा जो अमेरिका में भी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है और यूरोप में मिलता है, ये कई वर्षों से हमारे पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। कहीं को पता नहीं होगा लेकिन एक ज़माने में बिहार में जब लालू यादव का ज़माना था तब एक सूत्र बहुत वायरल हुआ था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। समोसे तो अब भी है लेकिन बिहार में लालू कहीं दिखाई दे नहीं पड़ते। तो ये बात पॉलिटिक्स में कई सालों से चल रही है और हमारी जो फिल्में हैं उसके गाने जो है उसमें भी ये हमारी व्यंजन और ये हमारी गुजराती या तो और कई आइटम गीत में भी आ जाती है। मिस्टर एंड मिसिस खिलाड़ी में जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूँगा मेरी सालू, ये गीत काफ़ी वायरल तब हुआ था। रणवीर कपूर की फिल्म बर्फी थी तो उसका गीत आला बर्फी, फिर डबल धमाल में जलेबी बाई मल्लिका शेरावत ने उस पर डांस किया था। हिफाजत में अनिल कपूर और माधुरी ने बटाटा वड़ा, वो भी गीत काफ़ी प्रचलित हुआ था। हम आपके हैं कौन में माधुरी चॉकलेट लैम जूस वो गीत भी गाती है। कुली नंबर एक गोविंदा और करिश्मा का वो गीत भी काफ़ी प्रचलित हुआ था। मैं तो रास्ते पे जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। और फिर बीवी नंबर एक में सलमान ने गाया था हाय हाय मिर्ची। फिर हर दिल जो प्यार करेगा माँ सलमान ने और एक बात की थी, एक गरम चाय की प्याली हो। फिर अंजाम में माधुरी ने चने के खेत में गाया था और संजय गोविंदा ने जोड़ी नंबर वन ने अंडे का फंडा आओ सिखा दूँ मैं, ये गीत भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। तो हमारे यहाँ जो व्यंजन होते हैं, हमारे यहाँ खान पान की चीज़ होती है, वो हमारे से बहुत जुड़ी हुई होती है। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि आदमी को खुश करने का रास्ता उसके पेट से जाता है, तो इसलिए हमारे यहाँ खाने पाने की चीज़ का काफ़ी महत्व है। फिर मिलेंगे, थैंक यू।